है? कहाँ है डरती बोल? अरे मेंढक देखा का? है सांप देखा का? अरे सांप है तो कहाँ हो गया? हम तो उसे भी कपड़े की तरह हत्या! अरे हत्या! अरे देखा भाई हत्या हो गई! हत्या! 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 क्यों भाई क्यों भागते हो? दंगा फसाद हो गया क्या? तालाब में से किसी की लाश निकली है। लाश? किसकी लाश? नैन सुख जी आज शाम टीवी पर देख लेना। अरे क्यों अंधे से मजाक करते हो भाई? इसका हाथ है ये? भगवान कसम हमका नहीं मालूम साहब। क्या रे इसका हाथ है ये? देखो साहब हमारे तो दोनों हाथ सलामत हैं। मनोज ये हाथ कहाँ से मिला? कहाँ से मिला साहब? ये तो पानी के अंदर से निकला था। हाँ दो तैराकों को ले जाओ, पानी के अंदर तलाश करो और वहां कोई लाश हाथ लगे तो फौरन मुझे खबर करो। सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जाहिर है कि कातिल ने इस लड़की को मारने के बाद उसके जिस्म के अलग अलग टुकड़े कर दिए होंगे। डॉक्टर मैं ये जानना चाहता हूं कि कातिल ने इसे मारने के लिए कौन सी तरकीब या तरीका इस्तेमाल किया होगा। एक तरकीब तो यह हो सकती है कि लड़की के सोते कातिल ने इसके मुंह और नाक पर तकिया दबा दिया हो, क्योंकि लड़की के जिस्म पर कोई नाखून घाव या गोली के निशान नहीं मिले। और दूसरी तरकीब? लड़की को गला दबाकर मार दिया गया हो, क्योंकि गला दबकर मरने वाले इंसान की जबान बाहर लटकाती है और ये हलक की नाजुक हड्डी जिसे हम हाइड बोन कहते हैं वो टूट जाती है। इसीलिए हम कुछ यकीन से नहीं कह सकते क्योंकि इस लड़की का सर हमें अब तक नहीं मिला। डॉक्टर हम इस लड़की के सर की तलाश जारी रखेंगे, तब तक आप इस लाश को बिना गले सड़े हिफाजत से रखिए। श्योर। अगर ये लाश एक दिन और पानी में रहती तो इसका पोस्टमार्टम तो क्या, इसे यहां रखना भी मुश्किल हो जाता। ओके डॉक्टर। या थैंक यू। या
जी सर ठीक है, ओके बाय। इंस्पेक्टर प्यारे मोहन, गांधीनगर पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, किसी लड़की की हत्या के बारे में आज के अखबार में मैंने पढ़ा है। मैं जानना चाहता हूँ किसी की हत्या करने और लाश को छुपाने की ज्यादा से ज्यादा क्या सजा होती है। कौन हो तुम और क्या कहना चाहते हो? बहुत कुछ बताऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फांसी या उम्र कैद? अगर कातिल ने दूसरा खून और कर दिया तो उसकी सजा क्या हो सकती है? कौन हो तुम, क्या भग रहे हो? मेरा ख्याल था आपको इस केस की जानकारी में दिलचस्पी है। दूसरा खून करे या 200, सजा वही, फांसी या उम्र कैद। और सुनो, तुम इस सिलसिले में मुझसे मिल सकते हो या फिर फोन पे ही बता सकते हो। तो सुनिए, अगर आपने इस केस की छानबीन जारी रखी तो मैं दूसरा खून भी कर सकता हूँ, और वो खून आपकी धर्मपत्नी या जवान लड़की का भी हो सकता है, क्योंकि सजा तो वही है ना। मगर वो मगर गई पानी में। आप फाइल फौरन बंद कर दीजिए। हेलो हेलो, सुनिए, हेलो, कुछ पता चला उस लड़की के सर का या उसके शनाख्त का? नहीं सर, मैं प्रसाद साहब के साथ अस्पताल भी गया था। डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे हाथ में दी और कहा इस रिपोर्ट के मुताबिक काम करो। सर मैंने बहुत कोशिश की सर, अखबार में खबर छपने के बाद भी किसी ने थाने में आके शिकायत नहीं की सर। हो सकता है वो लड़की किसी दूसरे शहर या गाँव की हो। तुम एक काम करो, सारे स्टेट को रेडियो मैसेज फ्लैश कर दो। सर वो काम तो मैं सबसे पहले कर चुका हूँ, और सब जगह से सर नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रहे हैं। सर मेरा ख्याल है कि या तो लड़की लावारिस होगी या फिर बच्चलन, तभी उसके घर वाले उसकी तलाश जरूरी ना समझते होंगे। सर सर इसीलिए मैंने सिफारिश की है कि इस फाइल को बंद कर दिया जाए। सर हमारा सरोकार मरने वाली से नहीं है, हमारा फर्ज मारने वाले को पकड़ना और उसे दंड दिलाना है सर, वरना जनता का विश्वास पुलिस कानून सुरक्षा पर से उठ जाएगा। उठ क्या जाएगा, उठ चुका है सिर्फ तुम जैसे पुलिस अफसरों की बदौलत। सर मैं अपने पत्नी और 6 बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ सर, मैंने इस केस को सॉल्व करने में कोई कसर नहीं छोड़ी सर। सर वैसे भी इस केस को पेंडिंग रख के कब तक सफाई देते रहेंगे? सर अगर आप बुरा ना माने तो इस केस को CID के हवाले कर दें। हर केस को CID के हवाले करता रहूंगा तो सरकार जूते मारेगी, तुम्हारे सर पर भी और मेरे सर पर भी। कहीं इस केस को दबाने के लिए किसी ने तुम्हें पैसा तो नहीं खिलाया? नहीं सर। या किसी ने तुम्हें डराया धमकाया तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं सर। तुम लोग भोली भाली सूरत बनाकर ऐसा झूठ बोलते हो कि तुम्हारे सामने सत्यवादी हरिश्चंद भी घुटने टेक दे। यस सर। यू फूल, तुमने ये फाइल तो बंद कर दी है, परंतु अपनी आंख और कान को बंद मत रखना। जैसे इस केस में कुछ सुराग मिले तुरंत इस केस को रीओपन करना। यस सर। नाउ गेट लॉस्ट। यस सर। भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मैंने आप लोगों की शिकायत पढ़ ली है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सर हम कई अफसरान से मिल चुके हैं, सब तो सिर्फ समझाते हैं, झूठे वादे करते हैं, मगर करता कोई कुछ भी नहीं है। मंत्री जी, इस तरह टाल मटोल होता रहेगा तो हिंदुस्तान में किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं रहेगी। पुलिस मुजरिम को कहाँ तलाश करती है सर? पुलिस तो तहकीकात बंद करने के बहाने तलाश करती रहती है।
पुलिस को बदनाम करने का रिवाज आम हो गया है। पुलिस पर शक करने लगोगी तो तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? तहकीकात बंद करने का कोई काबिले कबूल कारण हो सकता है? जहां तक मैं समझता हूं, इस केस में ना तो मरने वाले के वारी बारी सामने आए और ना ही उसका कोई अता पता चल सका। वो औरत कोई आसमान से तो टपकी नहीं थी कि उसका अता पता ना मिले। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि उसकी एक ही पहचान है, वो एक औरत थी और कमजोर वर्ग की व्यक्ति थी। हर रोज कहीं ना कहीं किसी औरत को दहेज न लाने की वजह से जिंदा जलाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, बलात्कार किया जाता है या फिर सड़कों पर नंगा किया जाता है। इत्तेफाक से कोई मुजरिम पकड़ा भी जाए तो वो कानून की भूल भुलैयों से बच निकलता है। मैं आप लोगों से बहस करना नहीं चाहता, अलबत्ता 10,000 रुपया उसकी मौत के मुआवजे के तौर पर दे सकता हूँ। उसके वाली वारिस का पता चले तो उन तक पहुँचा दीजिए और पुलिस को इत्तला कीजिए, वरना अपनी समिति का चंदा समझ कर रख लीजिए। सरकार हमेशा मुआवजे का लालच दिखलाकर अपनी नाकामी छुपाती रहती है। हमें रुपया नहीं मुजरिम चाहिए सर। मंत्री जी, भगवान ना करे कल आपकी बेटी या बहू के साथ ऐसी घटना हो जाए तो क्या आप मुआवजा लेकर चुप बैठेंगे? ये रखिए रुपए एडवांस में मुआवजे के तौर पर। मिस्टर सिन्हा जी, तुम अभी मेरे घर आओ। यस सर। सर, आई बेग योर पार्डन, ऐसी छोटी छोटी वारदातें सीबीआई के हवाले करना मैं मुनासिब नहीं समझता। किसी की हत्या छोटी वारदात नहीं होती मिस्टर सिन्हा, हत्या हत्या होती है, चाहे वो गुमनाम व्यक्ति की हो या नामचीन व्यक्ति की। तहकीकात तो सीबीआई ही करेगी, कोई काबिल अफसर है तुम्हारी निगाह में इस उलझन को सुलझाने वाला? मिस्टर जसराज पटेल। कौन है वो? मिस्टर जसराज पटेल हमारी सीबीआई के बहुत ही काबिल असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। फिल्म वक्त जारी नोटों के रैकेट के मिशन पर गए हैं। रिजर्व बैंक का ख्याल है कि अब तक तकरीबन 21 करोड़ के जारी नोट सर्कुलेशन में हैं। अभी अभी मैसेज आया है कि जसराज पटेल ने उस गैंग को दबोच लिया है। गंगाराम, Thank you.
इतनी बेरहमी से नहीं मारना चाहिए था मुझे। चुप चुप चुप, क्या करूं, पास साथ साथ में आया मैं अपना होश खो बैठा। एक मिनट आराम से, आराम से, शाबाश शाबाश। दर्द तो सबको यकसा होता है, साधु हो या शैतान। चिल्ला मत, चिल्ला मत। क्या है, जोड़ तोड़ का एक ही इलाज है मेरे पास और वो ये। कानून वालों को जरा प्यार भी सीखना चाहिए। ए, तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें तो सलिया डालनी पड़ेगी, 40 दिन लटकाना पड़ेगा, दोनों काम एक ही हाथ से करने पड़ेंगे, खाना भी और। चल चल चल, ससुराल जाना है। हाँ, दुखता है मालूम है, वहां काफी डॉक्टर बैठे हैं। हाँ चल आ जा। एक ऊपर कर, नीचे कर, मारना है? नहीं साहब। ठीक है, वो रुपया और रिपोर्ट मुझे दे दे, वरना शूट कर दूंगा। I'll shoot you. नहीं गंगाराम, नहीं। If you want to shoot, shoot. Don't say I will shoot. चार बंदे अंदर हैं, उन्हें ले जाओ। इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। यस सर। और जो खिड़की में सोया हो उसका पोस्टमार्टम करा लो। ओके सर। सुबह थाने में मिलते हैं। ओके सर। नमस्ते सर। बैठो। थैंक यू। मैं तुम्हें बधाई देता हूं उस जाली नोटों वाले मिशन की कामयाबी पर। थैंक यू। तुम्हारे डायरेक्टर ने शायद तुम्हें बता दिया होगा कि एक लड़की की हत्याकांड का मिशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह एक बहुत ही दिलचस्प केस है, तुम इसका पर्दाफाश कर सकते हो। क्या सर, यह केस इतना अहम है जो CBI को सौंपा जाए? कितना अहम है मैं नहीं जानता, मगर उतना आसान भी नहीं है। हमेशा खून होने के बाद कातिल की तलाश की जाती है और उसे पहचाना जाता है, मगर इस केस में कातिल के अलावा मरी हुई लड़की की पहचान भी जरूरी बन गई है। मतलब? मतलब ये कि मरने वाली का ना तो नाम मालूम हो सका, ना ही उसका पता। आज तक उसकी लाश की ना तो पहचान हो सकी, ना ही उसके वाली वारिस की ओर से कोई शिकायत आई है। हमारे लिए यह केस तो एक समस्या है, मगर तुम्हारे लिए एक चैलेंज जरूर है। ओके। मुझे गर्व है कि तुम जैसे अफसर भी हमारी सरकार में काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारे हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। नमस्ते। शरीर के जोड़ों को जिस तरह से बुरी तरह काटकर अलग किया गया है, मेरा अंदेशा है ऐसी हत्या सिर्फ तजुर्बेकार मुजरिम ही कर सकता है, या कोई कसाई या कोई डॉक्टर। डॉक्टर? हाँ, जो लाशों से खेलते हैं उनकी हिस मर जाती है, इंसान उनके लिए गोश्त और हड्डी का एक खिलौना बन जाता है। 9 जनवरी को यह लाश लाई गई थी ना, तुम्हारे अंदाज से यह कत्ल कब हुआ होगा? कुछ 1-1.5 दिन पहले। मरने वाली के साथ बलात्कार या ऐसी कोई कोशिश की गई है? जिन्हें इस हालत में मैं कुछ यकीन से नहीं बता सकता। शरीर पर कोई ऐसा निशान है, पुराना घाव या तिल पहचान के लिए? जिन्हें ऐसा कोई निशान तो बिल्कुल नहीं है, अलबत्ता अगर सिर मिल जाए तो दांतों से इसकी उम्र और किस्म की थोड़ी बहुत पहचान हो सकती थी। थैंक्स। जी। लाश के टुकड़े यहीं कई झाड़ियों में मिले थे,
मौसम अच्छा है। यस सर। यहीं कहीं झाड़ियों में होगा सर। जी। पुलिस के स्नीफर डॉग्स की मदद लो। यस सर। MP035469। ऐसा ही एक केस मैंने नॉवेल में पढ़ा था सर, जिसमें विलेन ने सर सुनो गंगाराम अपनी सर, आज के बाद पढ़ने के बजाय सोचना सीखो। तुम नॉवेल्स पढ़ते बहुत हो मगर सोचते कम हो। आपने बिल्कुल सही कहा सर। गंगाराम, हम जब यहाँ आए थे तो दुकान खुली थी ना? यस सर। जरा पता करो कौन बंदा है। जी। उसे पता नहीं चले कि तुम सीबीआई के हो। यस सर। वैसे तुम्हें देखकर किसी को शक भी नहीं हो सकता। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा सर। अंकल, एक पेंसिल चाहिए। हरा वाला नहीं, लाल वाला। मुझे भी एक पेंसिल चाहिए। तेरे पास पैसे हैं? ये लो। चल चले। मुझे मोहब्बत हो गई है। नंबर बोलो, मैं लगाता हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8 लो, घंटी जा रही है। जा रही है? लग भी गया? हेलो। यस, रिमझिम रिबेका हियर। कौन बोलता है? हम एक टूरिस्ट बोलता है। ओह, टूरिस्ट। तुम टूरिस्ट? हम टूरिस्ट गाइड। कौन सा होटल से बोलता है? लेक्यू होटल से बोलता है। कितने दिन का प्रोग्राम है? बस एक ही दिन का प्रोग्राम है, कल चला जाएगा। सो स्वीट। देखो मैन, एक दिन में पूरा शहर घुमाने का फीस 500 लेता है। तुम हमको खाना फ्री खिलाएगा और हम तुम्हारे लिए फ्री कैमरा लेकर आएगा और कैमरे का रील तुमको डालना होगा। हाँ, डालेगा ना, जरूर डालेगा। और हाँ, रात में कंपनी मांगेगा तो वो भी देगा, उसका 500 एक्स्ट्रा होगा। और वैगरा मांगेगा तो वो भी मिलेगा, उसका 1000 एक्स्ट्रा होगा। हम तुम्हें बाद में फोन करेगा। खाली जेब शौक पूरा करने निकलता है, कंजूस मक्खी चूस। पटक दिया। हेलो मैम। एक गोल्ड फ्लेक का पैकेट देना। ये कितने पैसे हुए? 22 रुपए सिगरेट का, 8 रुपए टेलीफोन का, 22, 8, 30 रुपए। जी। ये 20 और ये 30। अरे 5 का है भैया, 10 का दो ना। अरे माफ करना, गलती हो गई है। ऐसी 5 रुपए की गलती मत करो, करनी है तो बड़ी गलती करो। क्या नाम है तुम्हारा? नयन सुख। बहुत सही नाम रखा है। और तुम्हारा? मुसाफिर सिंह चिरकुट। बहुत सही नाम है सर। वो नयन सुख तो अंधा निकला। पुलिस के स्नीफर डॉग्स की मदद से वहाँ झाड़ियों में ढूंढ लो, सिर मिल जाए तो मिल जाए। आपने बिल्कुल सही कहा सर। सर, क्या मैं आ सकता हूँ? यस सर। सर, मैं प्यारे मोहन, गांधीनगर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर हूँ सर। हाँ, इस केस की तहकीकात तुम ही कर रहे थे ना पहले? जी सर, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा सर। उसके लिए घिसनी पड़ती है अकल। जी सर। सर, लेकिन अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हो जाऊंगा सर। तुम जा सकते हो। सर, वो एक लड़की आपसे मिलना चाहती थी सर। किस सिलसिले में? सर, वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स है सर, और पुलिस की बेवाओं के फंड के लिए एक कल्चरल इवनिंग ऑर्गेनाइज की है जिसमें उसका नाचने गाने का प्रोग्राम है सर। काफी VIPs आ रहे हैं, आप भी आइए सर। सर, ये निमंत्रण पत्र। पहुंच जाएंगे सर। उस लड़की को बुलाओ सर। कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। गलत आदमी पर पुलिस की वर्दी कितनी भद्दी लगती है ना।
आपने बिल्कुल सच कहा सर। सर मिल गया, देखो संभाल कर खोद कर निकालो इसे। हेलो सर, गुड न्यूज सर, सिर मिल गया। चेहरे से कोई पहचान तो नहीं होती होगी? सर बिल्कुल पहचान नहीं हो सकती, चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वो सर जो है वो उसी लाश का है। और कोई सबूत? हाँ सर, एक सोने का दाड़ मिला है जो हमने निकलवा लिया है। That's good, that's nice. देखो स्कल के एक्सरेज और फोटोज निकलवा लो sir. और डॉक्टर से कहो बॉडी डिस्पोज कर दे। यस सर। ओके बाय। सर ये कमल डोगरा है, शहर का सबसे बड़ा और मशहूर नर्सिंग होम इन्हीं का है। हेलो जसराज पटेल, मैं जानता हूँ आपको। कहाँ मुलाकात हुई थी? बस यही हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन प्रीति के डांस प्रोग्राम में किसी ने मुझे बताया था कि आप सीबीआई डायरेक्टरेट से आए हैं। प्रीति, प्रीति, उसका नाम प्रीति के बजाय प्रीति होना चाहिए। नाइस गर्ल। सर डॉक्टर साहब पहले मिलिट्री में काम करते थे। अच्छा, मिलिट्री की सर्विस क्यों छोड़ी? बस यूं ही छोड़ दी। ऐसे ही कोई छोड़ता है, पैसे के ढेर पर बैठने का शौक हुआ होगा। हाँ, पैसे कमाने का शौक किसे नहीं। हाँ। और कौन से शौक पालते हैं आप? गोल्फ खेलना, अच्छी से अच्छी शराब पीना और अच्छी से अच्छी लड़कियों के साथ गुफ्तगू करना, उनके साथ वक्त बिताना। हाँ, 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 बड़े रंगीन मिजाज हैं आप। सपाट जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती। वेरी गुड। और जिंदगी में रंगीनियां ना हो तो जिंदगी किस काम की है, हम जिए भी क्यों? ज्यादा रंग थोप लोगे अपने आप पर तो कार्टून दिखोगे। गुड जोक। जोक नहीं, हिंदी में इसे टिप्पणी कहते हैं। आप जो भी कहते हो। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं इस गेम में आपके साथ शामिल हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, अगर अच्छे खिलाड़ी हो तो, वरना गली में जाके गिल्ली डंडा खेलो। मारने वाला नहीं लेकिन मरने वाली निशान छोड़ गई। आपने बिल्कुल सच कहा सर। हेलो, कौन चाहिए? मुझे आप ही चाहिए। मतलब? मिस्टर जसराज पटेल, सीबीआई असिस्टेंट डायरेक्टर। क्या चाहिए? मैं इस हत्याकांड के सिलसिले में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। तो फौरन चले आओ यहाँ। आपसे मिलने से पहले मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ। बोलो। कानून में एक हत्या की ज्यादा से ज्यादा क्या सजा होती है? सजाए मौत या उम्र कैद। और अगर दो हत्याएं की जाए तो? कौन हो तुम, कहां से बोल रहे हो? भोले सवालों का मैं जवाब नहीं दिया करता। आप मेरे पीछे दौड़ रहे हैं और मैं आपके पीछे दौड़ रहा हूं। कौन किसे पकड़ेगा ये वक्त ही बताएगा। खून एक करो या दो या उससे ज्यादा, सजा तो एक ही है ना? नहीं, एक ही सजा नहीं होती। सजा है मौत या उम्र कैद से ज्यादा और क्या सजा है? एक खून की सजा तो तुम जानते हो, दो खून के लिए सजाए मौत माफ की जाती है। अच्छा। हाँ, सिर्फ उम्र कैद दी जाती है और उसके साथ एक टांग काट दी जाती है। तीन खून के लिए उम्र कैद भी माफ की जाती है, एक टांग और एक हाथ काट दिया जाता है। चार के लिए दो टांगे एक हाथ, एक हाथ छोड़ दिया जाता है जिंदगी भर भीख मांगने के लिए। समझे? तुमने
अच्छा समझाया, ये गति तुम्हारी भी हो सकती है। अच्छा, जिसका बुरा वक्त आता है उसकी जबान लंबी हो जाती है। उल्लू के पट्टे याद रख, जल्दी ही तेरे लिए वक्त ठहर जाएगा। किसका फोन था सर? तुम्हारे ससुर का। वो तो कब के मर चुके हैं। कल सुबह अस्पताल जाना है। नहीं सर, कल सुबह डॉक्टर त्रिवेदी के पास जाना है। मैंने पता किया है, शहर में वो एक ही डेंटिस्ट है जो दांतों पे सोने का पत्रा चढ़ाता है। गंगाराम जी, कभी कभी तुम अकल की बात करते हो। आपने बिल्कुल सच कहा सर। चल। क्या हो गया, हर जगह हाथ मारने लगे। डॉक्टर त्रिवेदी। मैं ही तो हूं डॉक्टर सुंदर त्रिवेदी, स्वर्ण दंत विशेषज्ञ, BDS। आइए। मैं ठीक हूं, बैठिए। पहले तो आप ये बताइए कि आप दोनों में से पेशेंट कौन है। नहीं, हम दोनों इंपेशेंट हैं। अच्छा बताइए, आपने ये BDS कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है? जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है, क्या आपको एतराज है? नहीं, कोई एतराज नहीं। तो फिर सबसे पहले ये बताइए कि आपकी कौन से दांत पे तकलीफ है और कौन से दांत पे सोने का पत्र चढ़ाना है। आ आ आ देखिए, मेरे सभी दांत सलामत हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या इस दांत पर सोने का पत्र आपने चढ़ाया था? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये लड़के का है कि लड़की का? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? तो फिर मैं आपके दांत तोड़ दूंगा। आप मेरे दांत क्यों तोड़ेंगे? मैं कैसे बता सकता हूँ? सोना तो असली है, थोड़ी मिलावट ज्यादा होगी, इंसानों गलती हो जाती है। कस्टमर ले हो? मैं कैसे बता सकता हूँ? आप इनकम टैक्स वाले हो? मैं कैसे बता सकता हूँ? तो मेरे बाप आप हो कौन? CBI वाले। मैं माफी चाहता हूँ, मैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी नहीं, भारतीय डेंटल सोसाइटी उसका मेंबर हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए, ये दाढ़ किसी बूढ़े या बूढ़ी का नहीं है, एक लड़की का है। याद करो वो लड़की कौन है। रोशनी, रोशनी, चंद्रकांत चौबे की बेटी रोशनी, उसकी दाढ़ होगी। चंद्रकांत चौबे और मैं लखनऊ के पास एक गांव में रहते थे, रामगढ़, शिवजी के मंदिर के पीछे। वहां वो पोस्टमैन थे, अब रिटायर हो गए और वहीं पर बस गए। ये खिड़की बंद करो, सोना चोरी हो जाएगा। ना 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 बेटी। हाँ बाबू जी, फिर आइए। चौबे जी। मैं ही हूँ चौबे। नमस्ते। नमस्ते जाओ बेटी, मेहमानों के लिए पानी तो लेके आओ। ये मेरी मझली बेटी है नंदिनी, और ये मेरी सबसे छोटी बेटी है अश्विनी। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए ना, बैठिए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? चौबे जी, मैं आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ। जरूर, क्यों नहीं भाई। रिश्ता पक्का करने से पहले एक दूसरे के खानदान के बारे में पूरी जानकारी तो हासिल कर लेनी चाहिए ना। हाँ, ये मेरी दूसरी बेटी है शांति। नमस्ते। 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 और रोशनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वो मेरी सबसे बड़ी लड़की है। ये रही उसकी तस्वीर। इन बच्चों की मां नहीं है। शांति और नंदिनी ने तो सिर्फ स्कूल फाइनल किया है और उसके बाद घर का काम संभाल लिया। रोशनी को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, मैं गरीब था, पढ़ा ना सका, लिहाजा वो मिलिट्री सर्विस में नर्स बन गई। लेकिन उसे अश्विनी को डॉक्टर बनाने का बहुत शौक है। रोशनी की शादी या तलाक हुई थी? तलाक का तो सवाल ही नहीं उठता, उसकी शादी नहीं हुई। हाँ, दो चार रिश्ते जरूर आए थे, उसने मना कर दिए, कहने लगी सब बहनों की शादी करके फिर शादी करूंगी। क्या बाप होने के नाते आपने ये मुनासिब समझा? बाप नहीं, एक मजबूर बाप होने के नाते मैं स्वार्थी और खुदगर्ज बन गया था। सारा वक्त इन बेटियों की शादी की चिंता लगी रहती थी। मैं रात को यकायक डर के मारे उठकर बैठ जाता था,
ये सोचकर कि मेरे घर में चार चार जवान लड़कियां बैठी हैं, इनके भविष्य का क्या होगा? और अब मुझे इसलिए नींद नहीं आती कि अगर कहीं रोशनी ने अपना घर बसा लिया तो उसकी बहनों का क्या होगा? रोशनी कहां काम करती थी, मतलब कहां काम करती है? वो पचमढ़ी में मिलिट्री अस्पताल में नर्स है। एक बहुत अच्छी बात हुई, उसने वहां पर शांति के लिए एक वर्ड ढूंढा है। वो भी वही काम करता है, डॉक्टर है। क्या नाम है? अजीत वर्मा है उसका नाम। ये रही उसकी तस्वीर। मैं ये तस्वीर रख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर अजीत वर्मा। हाँ, अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो मैं इसे भगवान की महिमा मानूंगा। अब देखिए ना, भगवान ने आपको नंदिनी के रिश्ते के लिए यहाँ भेज दिया। नहीं, मैं नंदिनी के रिश्ते के लिए नहीं आया। तो फिर किसके लिए आए? रोशनी का कत्ल हुआ है। सर, मुझे डर था ये समाचार सुनने के बाद चौबे जी का हार्ट फेल हो जाएगा, लेकिन उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा तक नहीं गिरा सर। जिनके आंसू सूख जाते हैं वो रोया नहीं करते। कम जसराज पटेल, CBI। हाय कैप्टन अजीत वर्मा, बैठिए। कर्नल डॉक्टर भट्टाचार्य ने मुझे बताया था कि आप आ रहे हैं। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? लेफ्टिनेंट रोशनी आपके अस्पताल में नर्स थी, कब से काम कर रही थी? तकरीबन 2 साल से, मगर 4 महीने पहले इस्तीफा देकर वो यहाँ से चली गई। कहाँ चली गई, किसके साथ गई? मुझे नहीं मालूम। आपने जानना जरूरी नहीं समझा वो कहाँ गई है? बिल्कुल नहीं। क्या आप उसकी बहन शांति से शादी करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। तो उसके घर में शादी का पैगाम क्यों भेजा था? पैगाम? मैंने कोई पैगाम नहीं भेजा, ये बिल्कुल झूठ है। ये तस्वीर भी झूठ है। तस्वीर तो मेरी है, ये आपके पास कैसे आई? उसने मिलिट्री सर्विस क्यों छोड़ी थी? शायद अपने घरेलू मामलात सुलझाने की बुनियाद पर उसने रिजाइन किया था। कैरेक्टर कैसा था उसका? मेरा संबंध सिर्फ उसकी ड्यूटी की हद तक था। वो ड्यूटी ठीक करती थी और एडमिनिस्ट्रेशन को कोई शिकायत नहीं थी। किसी के साथ इश्क या झगड़ा या नौकरी छोड़ने के पहले परेशान थी? मुझे उसकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कुछ नहीं मालूम और ना कभी जानना चाहा। अकेली रहती थी, किसी के साथ रहती थी? मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। रिकॉर्ड देखकर बताओ। हाँ याद आया, दूसरी नर्स प्रीति के साथ वो रूम शेयर करती थी। वही लड़की है वो जो नाच गाने का प्रोग्राम करती है? हाँ वही है, 8 दिन पहले उसने एक शो किया था। मैं उसे मिलना चाहूंगा। मैं अभी बुलाता हूँ। मैं अकेले में मिलना चाहता हूँ। ओके, एज यू विश। आप बाहर वेटिंग रूम में इंतजार कीजिए। थैंक यू। बाय द वे, रोशनी की हत्या की गई है, शी इज डेड। सर, मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मिस प्रीति, तुम्हारा हर लफ्ज हमारे पास महफूज रहेगा। देखो, तुम सिर्फ एक औरत नहीं, रोशनी की सहेली भी थी। उसके बारे में जो भी जानती हो सच सच बताओ। रोशनी बहुत अच्छी लड़की थी, बस शादी के नाम से चिढ़ती थी। खूबसूरत तो वो थी ही, अच्छे लिबास में और भी अच्छी लगती थी, इसीलिए तो हर कोई उसे चाहता था। लेकिन रोशनी सिर्फ कैप्टन अजीत से प्यार करती थी, सच्चा प्यार। जब भी वक्त मिलता दोनों घूमने चले जाते थे। रोशनी पागल हो गई है क्या? आप पागल हो गए हो? खा जाऊंगी तुझे, खा जाऊंगी। क्या हो गया तुझे? मुझे प्यार हो गया है। प्यार? चलो अच्छा है, तुझ पे जमी हुई बर्फ को किसी ने पिघला तो दिया। प्रीति,
मैं शादी कर रही हूँ। शादी कर रही है? बड़ी कसमें खाती थी कि शादी नहीं करूंगी। क्या करूं, जब दिल किसी ने चुराया नहीं था ना, अब खुद ही अपना दिल गवा बैठी। कौन है वो खुशनसीब जिसके भागों ये छीका टूटा है? देख बताऊंगी तो जलेगी तो नहीं ना? नहीं, मैं बहुत जलूंगी। मैं क्या बूढ़ी हुई जा रही हूँ जो मैं तेरे से जलूं? अच्छा अच्छा ठीक है। वो कैप्टन है ना, अजीत। कैप्टन अजीत? आए हाय, तेरी और उसकी जोड़ी तो मेड वाली चादर है, ये 16 की। मैं तो कहती हूँ कि तू तो कल की कली शादी कर ले, एटलीस्ट मैं तेरे चिमटने से तो बच जाऊंगी। बाबूजी से कहूंगी तो कितना खुश होंगे वो। बाबूजी, दीदी आ गई। बाबूजी। दीदी मेरे लिए क्या लाई हो? अब भी देती हूँ। अरे बाहर से आई है, 2 मिनट चैन की सांस तो लेने दो। बेटी तो सफर करके आई है, जा पहले नहा धो। हाँ बाबूजी। ये तेरे लिए। थैंक यू दीदी। और ये ले तेरा सूट, पागल हो रही थी ना इसी के लिए। थैंक यू दीदी। और शांति, ये तेरी साड़ी कैसी है? बहुत अच्छी, इस रंग में तो मेरे पास एक भी साड़ी नहीं। अशु के बर्थडे पे पहनूंगी। मेरे बाबूजी के लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये बहुत महंगी होगी। बाबूजी मैं अपने खुशी के लिए लाई हूँ बस। भगवान तुझे सुखी रखे, मुझे तेरी शादी की चिंता लगी रहती है, और तू है कि अपनी बहनों की शादियों की चिंताओं में डूबी रहती है। मगर मेरी भी एक जिद है, अश्विनी की शादी के पहले तुझे शादी करनी होगी। क्योंकि तू मेरी बेटी नहीं, बेटा है। एक होनहार, खूबसूरत बेटा। बेटी इस वक्त किताब क्यों पढ़ रही है? सुबह पढ़ लेना, सफर से थक के आई है, सो जा अभी। बाबूजी। हाँ बोल। कुछ कह रही थी तू? हाँ क्या कह रही थी, बोल ना। बाबूजी बोल ना बेटी, बोल क्या बात है। बाबूजी ये लड़का कैसा है? क्या नाम है इसका, कौन है ये? बाबूजी ये कैप्टन अजीत वर्मा है, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर है। बेटी भला ये हमारे घर में रिश्ता क्यों ढूंढेगा? नहीं बाबूजी, ये बहुत अच्छे इंसान है। अगर ये रिश्ता हो जाए तो मैं इसे भगवान की महिमा मानूंगा। वैसे इसकी और शांति की जोड़ी खूब जमेगी। शांति जाग रही होगी, मैं उसे दिखाकर आता हूं।
भगवान मेरी दीदी को जिंदगी दे दे, उसके बदले में मेरी जिंदगी ले ले। भगवान मेरी दीदी को अच्छा कर दे। मेरी दीदी को अच्छा कर दे। जिंदगी दे दे, उसके बदले में मेरी जिंदगी ले ले। बेटी, ये रिश्ता किसी भी सूरत में तय कर देना, ये शांति को भी पसंद है। जी बाबूजी। अरे तुम समझती हो कि अजीत शांति से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? रोशनी, प्यार हो जाता है, किया या कराया नहीं जाता। मेरी बात मानो, अपने पिताजी को सच्ची बात बता दो, अभी भी देर नहीं हुई है। नहीं प्रीति, बहुत देर हो चुकी है। देख, अगर तुझमें हिम्मत नहीं है ना तो मैं जाके बता दी। हरगिज नहीं प्रीति, तू जानती नहीं बाबूजी कितने दुखी हैं, और शांति समझेगी कि मेरी नीयत बदल गई है। मैं अपने घर वालों की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। प्रीति, अपने जमीर की नजरों से गिर जाओगी तो जी नहीं पाओगी, याद रखना मेरी ये बात। क्या बात है? जब से लौटी हो उदास उदास सी नजर आ रही हो, क्या हुआ? तुम मुझे बहुत चाहते हो ना? मैं बताऊं मैं तुम्हें कितना चाहता हूं? इतना, इतना, इतना चाहता हूं मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। तो फिर चाहने वालों की हर चाहत पूरी कर सकोगे? मेरी जान मांग कर तो देखो, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरी एक तमन्ना है। क्या? तुम मेरी बहन से शादी कर लो। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूं। अगर यही राय मैं तुम्हें 10 दिन पहले देता तो तुम्हारा क्या जवाब होता? प्लीज मुझसे बहस मत करो, मैं मजबूर हूं। क्या मजबूरी है? मैं दूर कर सकता हूं। यही तो मजबूरी है कि मैं प्यार के बदले एहसान का सदका मांग रही हूं। कितनी आसानी से तुमने एहसान का सदका मांगा और मुझे एहसास दिला दिया कि मैं कितना कंगाल हूं। रोशनी, मैं यकीन रखता हूं तुम अपने मोहब्बत के सदके मुझे मालामाल कर दोगी। अजीत, तुम समझते क्यों नहीं, प्यार की आहुति ही प्यार को अमर बना देती है। ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइंदा कभी मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना।
बेहयाई की। तुम मेरी मोहब्बत को रुसवा करना चाहती हो। अगर डॉक्टर डोगरा के साथ इस तरह तुम, मैं नहीं जानता मैं क्या कर बैठूंगा। क्या करोगे तुम? तुम्हारे जिस्म के जिस जिस हिस्से को गैर मर्द ने छुआ है उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। चले मैंने कहा था ना तुम्हारे ये नाटक एक दिन रंग लाएगा। ये डॉक्टर कमल डोगरा वही तो नहीं है जिसका नर्सिंग होम है? जी जी वही है। क्या रोशनी ने सचमुच डॉक्टर अजीत को भुला दिया था? नहीं, वो चाहती थी कि अजीत शांति से शादी करने के लिए मजबूर हो, इसीलिए वह ऐसी तरकीबें इस्तेमाल कर रही थी। क्या हुआ? जी जी नहीं कुछ नहीं। कुछ सोच रही हो? नहीं नहीं। तो फिर भी जी मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। बोलो बोलो। आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? नहीं बिल्कुल नहीं, बेझिझक बोलो। नहीं, आपकी मुझे बड़ी अच्छी है। वो महाराणा प्रताप चित्तौड़ के हमारे आदर्श हैं। उनके घोड़े का नाम जानती हैं आप? चेतक। ओए, she's genius. अच्छा ये डोगरा इंसान कैसे हैं? बहुत काबिल डॉक्टर हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी आदतें कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी? उन्होंने नौकरी छोड़ी नहीं थी, वो डिसमिस हो गए थे। बाय 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 डॉक्टर। मैं आपसे ही मिलने का इंतजार कर रहा था। मुझे भी तुमसे दोबारा मिलने की जरूरत निकल आई है। मेरे कई सवालों का जवाब तुमने ये कहकर टाल दिया कि मुझे मालूम नहीं। इससे तुमने मेरे शक को और बढ़ावा दे दिया। गंगाराम, यस सर। डॉक्टर के नाम समंस निकालो, लिख दो रात को 9 बजे मुझे गेस्ट हाउस में मिले। यस सर। ये इतना ही अहम है जितना जंग के दौरान ड्यूटी पर रिपोर्ट करना, वरना अंजाम तुम जानते हो। हेलो जसराज हियर। मैं आपका गुमनाम दुश्मन दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो, खुलकर बोलो। तहकीकात बंद करने के लिए तुम्हें रुपया देना चाहता हूँ, जितना तुम चाहो। अबे उल्लू के पट्टे, आँख मिचोली खेलने का बड़ा शौक है तुम्हें। जिस दिन पकड़े जाओगे ना, मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। अच्छा, लाइन को टैप करवाएं? कोई फायदा नहीं, मुजरिम ये सारी तरकीबें जानता है, यहीं कहीं पचमढ़ी के इलाके से फोन करता होगा। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा पीछा करे। मुझे खुशी है कि वो रिएक्ट कर रहा है, उसका खौफ उसकी बेवकूफी है और यही हमारी कामयाबी है। अच्छा ये डोगरा इंसान कैसे? बहुत काबिल डॉक्टर है, दिल के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हैव अ सीट। थैंक यू। तो तुमने रोशनी को धमकी दी थी कि उसके जिस्म के टुकड़े कर दोगे? सर आप जानते हैं इंसान गुस्से में क्या कुछ कह नहीं जाता, मगर करता कहाँ है। इसका मतलब यह है कि तुमने उसे आसानी से भुला दिया। जी सर। तुम झूठ बोल रहे हो। जब मोहब्बत के बदले में उसने तुमसे एहसान की भीख मांगी तो तुमने उसे ठुकराया। तुमसे दूर होने के लिए डॉक्टर डोगरा के साथ प्यार का नाटक रचाया, उससे तुम्हें बदले की चिंगारी सुलग गई और तुमने अपनी धमकी पूरी कर दी। एम आई राइट? सर उसने मुझसे ज्यादा ठेस डॉक्टर कमल डोगरा को पहुंचाई थी, उनके डिसमिसल का कारण वही थी, तो बदले की आग डॉक्टर डोगरा के दिल में भी जल रही थी क्योंकि रोशनी ने उन्हें जलील किया था। डॉक्टर डोगरा डिसमिस क्यों किए गए थे? जितना देखा और सुना है वो सब बताऊंगा।
हाँ रोशनी, मेजर सक्सेना का ऑपरेशन मेजर डोगरा ने किया है, ही इज एन आईसीयू पेशेंट। मैं चलती हूँ। हाँ ओके। नो प्रॉब्लम। रोशनी तुम मेरे कमरे में आओ चाय के लिए। जी मैंने अभी भी खाना खाया है। ठीक है आधे घंटे बाद आ जाना। सर मेजर सक्सेना को भी तो अटेंड करना है। मेजर सक्सेना को कुछ नहीं होगा, वो मौत से लड़ना खूब जानते हैं। तुम मेरे कमरे में आओ चाय के लिए, ये मेरा हुक्म है। आज रात तुम यही स्टाफ रूम में सो जाना। रोशनी मैं थक चुकी हूँ, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, मैं क्वार्टर जाना चाहती हूँ। प्रीति प्लीज, मुझे हिम्मत रहेगी ना प्रीति? बुजदिल कहेंगी। ठीक है मैं रुक जाती हूँ, सिर्फ तेरे लिए। तू भी क्या याद करेगी कि दोस्ती में हम क्या कुछ नहीं कर जाते। ओके थैंक्स बाय। डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले काल में गए। रोशनी तुम? डॉक्टर डोगरा तो नहीं है? अब मेजर सक्सेना की तबीयत बहुत बिगड़ गई है प्रीति, डॉक्टर डोगरा आएंगे तो इत्तला कर देना प्लीज। ओके ट्यूब्स निकाल दो। अपराधी डॉक्टर कमल डोगरा परेड पर। कार्रवाई शुरू की जाए। मुलजिम डॉक्टर कमल डोगरा पर यह इल्जाम है कि वो 15 और 16 अक्टूबर की दरमियानी रात अपनी ड्यूटी से गायब हो गए थे। लेफ्टिनेंट रोशनी नर्स ऑन ड्यूटी के बयान से बिना शक ये साबित हो चुका है कि मुलजिम डॉक्टर कमल डोगरा की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से मेजर सक्सेना की मौत हो गई, इसलिए मुलजिम डॉक्टर कमल डोगरा को दोषी करार दिया जाता है। मुलजिम को कुछ कहना है? जी कुछ नहीं कहना जनाब। मेजर डॉक्टर कमल डोगरा इज डिसमिस्ड। परेड सावधान।
मेजर डॉक्टर कमल डोगरा इज कैशर्ड फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ मेजर सक्सेना। कार्रवाई शुरू कर, बाएं से तेज चल। अपराधी को मार्च ऑफ किया जाए। सर, मैं जानती नहीं थी कि मेरे सच बोलने से आपकी इतनी बेइज्जती होगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई महात्मा नहीं हूं जो तुम्हें माफ कर दूं। कल सुबह स्टेटमेंट्स तैयार हो जाएंगे, पहली फुर्सत में आकर दस्तखत करके जाना। जी सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। गुड नाइट। गुड नाइट। सर, यही है। यू आर राइट। शक का फोकस डॉक्टर डोगरा की तरफ मोड़ रहा है। डॉक्टर डोगरा किसी और की तरफ मोड़ेगा? पढ़े लिखे मुजरिम इतनी आसानी से हाथ नहीं लगते गंगाराम, और जब लगते हैं तो फौरन जुर्म कबूल करते हैं, क्योंकि थर्ड डिग्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। Am I right? Of course, sir. जाओ जाके स्टेटमेंट तैयार करो। Yes, sir. Okay? Yes. हेलो जसराज। हेलो हेलो वॉचमैन। जी साहब। कोई मिलने आए या फोन आए तो मैं नहीं हूं बोल देना। ठीक है साहब। यस सर। हाँ जरा पानी ले आ। यस सर। यस सर। हाँ जरा पानी ले आओ। यस सर।
जाओ, नंबर प्लेट ले आओ। कम ऑन। यस सर। थैंक यू। कमाल का निशाना है सर। मिल गया अहम सबूत, MP09E7777। क्या करोगे तुम? हार्टी हो जाऊंगा और पता करूंगा किसका है। हाँ जाओ, शाबाश, कमाल का काम किया, पता कराओ। थैंक यू सर। जाओ, नकली होगा। हाँ गंगाराम। सॉरी टू डिस्टर्ब। नो इट्स ओके। वो नंबर प्लेट मोटरसाइकिल का नहीं था, स्कूटर का था, और स्कूटर जो है वो यहाँ के कलेक्टर के बेटे का है, और कलेक्टर का बेटा जो है वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। ये तो होना ही था। मुजरिमों के साथ आंख मिचोली खेलने का मजा कुछ और ही है। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ही का इंतजार कर रहा हूँ कॉफी के लिए। कॉफी तो हमारे गेस्ट हाउस में पियेंगे, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। रोशनी मर्डर केस के बारे में। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मरीज की अनकही बातों को तुरंत समझ जाता हूँ। दिलचस्प आदमी हैं आप। जी दिलचस्प नहीं, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प आदमी है। बाकी बातें कॉफी पे। ओके बाय, गेट इन। गंगाराम। यस सर। डोगरा दस्ताने उतारने के बाद कॉफी का प्याला देना ताकि फिंगरप्रिंट्स मिले। यस सर। ए यहाँ गमले में छिपा दो, मैं अभी आया। हाय, कम कम कम। ये दस्ताने पहनने की कोई खास वजह है? कोई खास वजह नहीं, बस एक आदत सी हो गई है। मिलिट्री सर्विस में थे तब भी पहनते थे? जी नहीं, पिछले 3-4 महीनों से पहन रहा हूं। रोशनी से डर लगता है? बिल्कुल नहीं। ना ही मैं रोशनी से डरता हूं, ना ही अंधेरे से। अगर मैं डरता हूं तो अपने आप से। वाह। मैंने जिंदगी को जैसे चाहा वैसे जिया है। यूं समझिए जंगली घोड़े पे सवार था। ना ही मेरे पैरों में रकाब थी, ना ही हाथों में लगाम, और ना ही सामने कोई मंजिल। तभी कहीं बहुत दूर मुझे रोशनी की एक किरण दिखाई थी, और ये रोशनी की किरण वही रोशनी है जिसके बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं। नहीं, समझाने की कोशिश मत कीजिए, आप सिर्फ बताते जाइए, जितने औकात हैं हम समझ लेंगे। आपसे किसी ने कहा होगा कि रोशनी मेरे डिसमिसल का कारण थी, और मैंने उसे जान से मार डालने की धमकी दी थी। ये सच, लेकिन सिर्फ यही था, क्योंकि उसके बाद रोशनी के बारे में मेरा नजरिया बदल चुका था। एक दिन मुझ में चेतना जागी कि मैं अभी तक जिंदगी को खिलौने की भांति समझ के खेलता आ रहा हूं, और फिर जिस इंसान ने मेरी आंखें खोली, क्यों ना हमेशा के लिए उसका हाथ अपने हाथ में थाम लूं। और मैंने शादी का पैगाम भी रोशनी को दिया था। फिर अचानक रोशनी की मौत ने मेरी बनती हुई जिंदगी को एकदम बिखेर के रख दिया। यहां तक की कहानी बड़ी दर्द भरी है, मेरी हमदर्दी भी आपके साथ है। क्या आप यह बिल्कुल नहीं जानते थे कि रोशनी सिर्फ अजीत से प्यार करती थी? और मैं ये भी जानता था कि रोशनी डॉक्टर अजीत को लगातार अपनी छोटी बहन के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी, और रोशनी का अक्सर मुझसे मिलना दरअसल डॉक्टर अजीत के साथ दूरी बनाए रखने का हथकंडा मात्र था।
तरह वो डॉक्टर अजीत को जलाने का कोई ना कोई मौका ढूंढ लेती थी और उसके गुस्से की आग को हवा देती थी। वो तुम्हें बेवकूफ बनाती रही और तुम बेवकूफ बनते रहे। मुझे आम खाने से मतलब था, पेड़ गिनने से नहीं। ना तो आपने कभी पेड़ गिने ना तो आम खाए। सच तो बात यह है, ना तो वो आपके हाथ लगी ना तो शादी के लिए राजी हुई, उल्टा मिलिट्री सर्विस से डिसमिस कराने का कारण बन गई। सर अब तो आप मुझे मुंह खोलने पर मजबूर कर रहे हैं। अब आधा खोल दिया है तो पूरा ही खोल दो, शायद आपके मुंह में ब्रह्मांड नजर आए। सारा कंटोनमेंट इस बात का गवाह है कि उस रात डॉक्टर अजीत ने रोशनी को गोली मार दी होती अगर मैं वहां ना होता। यह रोशनी और डॉक्टर अजीत की नाराजगी के जमाने की बात है। उस रात मैं और रोशनी कंटोनमेंट वापस लौट रहे थे सिटी क्लब से। मैंने रोशनी को अपनी कार से नर्सेस क्वार्टर से कुछ दूरी पर उतार दिया था। बाय बाय, थैंक यू। रोशनी, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूं। इस हाल में मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं तुमसे अभी बात करना चाहता हूं रोशनी। हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। मेरा दिमाग पक रहा है रोशनी। तो मैं क्या करूं? अजीत प्लीज यहां तमाशा मत खड़ा करो। वारी औरत, कौन कहता है तू अबला है? तू तो एक खूबसूरत भला है। कौन कहता है तू सीता है? तू तो प्रणीता है। तेरा हर रूप बहरूप है, बहरूप। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा ये रूप भी देख लिया। तुम इंसान नहीं, हैवान हो, हैवान हो तुम। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुमने प्यार का हाथ बढ़ाया तो मैंने तुम्हें गले से लगाया, आंखों पर बिठाया, क्या क्या नहीं किया मैंने। रोशनी नहीं अंगार हो। अंगार का काम है खुद चलना और दूसरों को भी चलाना। मैं तुम्हें बुझा दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं उसे मार दूंगा। छोड़ दो अजय, छोड़ो, छोड़ दो अजय, छोड़ दो। जाओ मैं संभालूंगा, मार दूंगा मैं उसे। छोड़ दो, रिवॉल्वर मुझे दो, छोड़ दो मुझे। अजय होश में, अजीत, अजय। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि इंतकाम का जज्बा डॉक्टर अजीत को कहां से कहां तक ले गया था, लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर अजीत पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता। क्योंकि रोशनी की मौत एक सोचे समझे प्लान का नतीजा लगती है, और वैसे भी डॉक्टर अजीत ऐसा इंतहाई कदम उठाए ये मुमकिन नहीं लगता। मैं दोबारा वही सवाल दोहराऊंगा कि अपने आप को शक के दायरे से अलग क्यों समझते हो? इसलिए कि मेरा पेशा जिंदगी देना है, लेना नहीं, और ऐसी जलील हरकत करने की मैं सोच भी नहीं सकता। इतना यकीन है अपने आप पर? खैर, कल आकर स्टेटमेंट पर दस्तखत करके जाना। सर आपका शक कभी भी सबूत नहीं बन सकता। मैं जानता हूं, लेकिन आपको डर किस बात का? मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि इस तरह की छानबीन की खबरें अखबारों में छपेंगी, जिससे खामोखा की अफवाहें जन्म लेंगी, और जिसे पढ़ के लोगों का हम जैसे इज्जतदार डॉक्टरों के पेशे पर से विश्वास उठ जाएगा। देखो, ऐसी छोटी छोटी बातों से विश्वास चला जाता है तो उसका जाना ही बेहतर है। लेकिन रोशनी दोबारा जिंदा नहीं होती। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन कम से कम कानून पर लोगों का विश्वास तो जिंदा होगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हाय डॉ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, मॉर्निंग। मैंने दस्तखत कर दिए हैं। पढ़ करके आना। मैंने जैसा कहा था वैसा ही लिखा गया है। डॉक्टर अजीत, आज तक मैंने तुम्हारे बारे में जो जानकारी हासिल की है उससे मुझे ऐसा लगता है
कि अपने आप को मासूम बनाकर पेश करने के चक्कर में तुम मुझसे कई जरूरी बातें छिपा रहे हो। जिस दिन मैं सख्ती पर उतर आऊंगा उस दिन तुम तोता बन जाओगे। सर दरअसल मैं इस झमेले में उलझना नहीं चाहता। देखो इस झमेले का तुम अहम हिस्सा बन चुके हो, जितनी चालाकी करोगे उतना ही भंवर में लिपटते जाओगे। सर मेरा यकीन कीजिए मैं कातिल नहीं हूं, मेरे पिछले हालात मेरे खिलाफ हैं। अपने जहन पर जोर डालकर मुझे बताओ, रोशनी के लिए तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ था या और कोई उसे अपने हवस का शिकार बनाना चाहते थे, जैसे कि डोगरा या कोई एक्स वाई जेड? जहां तक मुझे याद है एक बार भीषण नंदा से मेरा झगड़ा हुआ था। भीषण नंदा कौन है? मिलिट्री सर्विस में लांस नायक था, कारोबारी जहनीत थी इसलिए मिलिट्री सर्विस छोड़कर हमारे मेस और कैंटीन का कॉन्ट्रैक्टर बन गया था। अब भी मटन मच्छी अंडे तरकारी वगैरह सप्लाई करता है। हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ से घुल मिल गया था, सबकी इज्जत करता था, लेकिन जब रोशनी मुझसे दूरी बढ़ाने के लिए डॉक्टर कमल डोगरा के करीब पहुंच गई थी तो सारे जानने वाले उसके किरदार पर शक करने लगे थे। यही बात मुझे खटकती थी और दूसरों के हौसले बढ़ाती थी। फिर एक दिन कैंटीन में मैंने देखा वो बिस्किट्स, चाय की पत्ती और क्या लगे? वो वाला फ्लास्क दिखाना, वो नहीं उसके बगल वाला, वो वाला नहीं, वो बगल वाला। हाथ हटाओ। वो मैडम आप है, मैंने देखा नहीं। बहुत शरीफजादी बनती हो। मैं माफी चाहता हूँ, कर्नल साहब से मेरी शिकायत मत कीजिएगा नहीं तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। फिर आगे से भीषण नंदा का बर्ताव तुमसे और रोशनी के साथ कैसा था? आगे उसने कभी हमें परेशान नहीं किया, उल्टा किसी भी नर्स के साथ बात करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। जैसा मैंने कहा था वो कारोबारी जहनीत रखता है, हाथ जोड़कर या पैर छूकर अपना काम निकाल लेता है। कहीं मुंह में राम बगल में छुरी वाली तो बात नहीं है? मुझे तो नहीं लगता सर, हम सबको ताज्जुब हुआ था कि उस दिन वो ऐसी हरकत कैसे कर बैठा। फिर रोशनी की नौकरी छोड़ने का कारण क्या हो सकता है? वो अपने घर के एक ही कमाऊ व्यक्ति थी, नौकरी छोड़ना उसके लिए आत्महत्या करने के बराबर था। हो सकता है डॉक्टर डोगरा के चुंगल से निकलने के लिए या फिर तुम्हारी हरकतों से तंग आकर या फिर बदनामी से बचने के लिए उसने नौकरी छोड़ दी हो। उसके मन में क्या था उसने कभी मुझे नहीं बताया सर। पचमढ़ी से निकलने के बाद ना तो वो घर गई ना तो घर वालों को कोई चिट्ठी लिखी। कहीं वो डॉक्टर डोगरा के साथ उसके नर्सिंग होम में उसके साथ काम तो नहीं कर रही थी? बिल्कुल नहीं सर, डॉक्टर डोगरा के डिसमिसल के बाद वो उनसे कतराती थी। तो फिर तुम जरूर जानते होगे वो कहां रहती थी, क्या करती थी, किन किन लोगों से मिलती थी। यही मुद्दत मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि इसी मुद्दत में उसकी हत्या हुई थी। तुम्हारी खामोशी को मैं क्या समझूं? ऐतराफ है जुर्म? नहीं सर, ना मैं मुजरिम हूं और ना ही सरकारी गवाह बनना चाहता हूं। आप खामोखा मेरी जिंदगी को और मेरी इज्जत को दांव पर लगा रहे हैं।
तुम्हारी हिफाजत की मैं जमानत देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस हत्या से दूर दूर तक तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। आगे क्या हुआ? नौकरी छोड़ने के बाद रोशनी भोपाल चली गई, मोहन मुल्तानी के पास। मोहन मुल्तानी कौन है? भोपाल का एक बहुत ही अमीर शख्स है, उसकी पहुंच दूर दूर तक है, हमारे मिलिट्री क्लब का एक ऑनरेरी मेंबर भी है। पिछले साल उसकी बीवी कैंसर का शिकार होकर अमेरिका में मर गई, उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको साथ लेकर वो अक्सर पचमढ़ी आया करता था। इस तरह रोशनी से उसका परिचय हुआ और उन दिनों उनकी मुलाकातें बढ़ती गई थी। आंटी आंटी आप मुझे नहीं पकड़ पाओगी। आंटी 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 यहाँ। क्या है पिंकी? आंटी आंटी पकड़ो मुझे, मैं यहाँ हूँ। आंटी पकड़ो मुझे। आंटी आगे क्या हुआ? काम की बात बताओ। रोशनी का जन्मदिन 27 दिसंबर को होता था। मोहन मुल्तानी ने उसे लुभाने के लिए उसकी सालगिरह बड़े शानदार पैमाने पर मनाई थी। तुम चांद की तरह हमेशा रोशन रहो। परस्तार। इतने सारे फूल देखकर लगता है कि तुम्हारे मिलिट्री वाले तुम्हें अभी तक भूले नहीं है। मुबारकबादी की कतार लगा दी है उन्होंने। लेकिन आपके मुबारकबाद देने का अंदाज भी उन सबसे निराला है। क्या जरूरत थी मुझे आसमानों पर बिठाने की? दिल ने कहा और कर दिया। दुआएं दिल से ही दी जाती हैं। मैं इतनी दुआओं के काबिल नहीं, मगर मैं तो कर्जदार हूं तुम्हारे प्यार का। मेरा मतलब जो प्यार तुमने मेरे बच्चों को दिया, उनके सर पर ममता का आंचल फैलाया, उनके लिए खुशियों का खजाना खोल दिया, क्या ये कर्ज नहीं? ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं गवर्नेस हूं उनकी, उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं तनख्वाह भी तो लेती हूँ। नंदा आओ अंदर आ जा। सालगिरह मुबारक हो मैडम। फूल वहां रख दो। जी। पार्टी का पूरा इंतजाम हो चुका है ना? जी। और याद रखना नंदा, कहीं से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हरगिज नहीं सर। चलो। रोशनी तुम जियो हजारों साल, हर बरस के दिन हो 50,000। इसने तो मोहब्बत के इजहार की इंतहा कर दी यार। तुम भी ऐसा बैनर लगाओ ना मेरे बर्थडे पर। कोई फंसाता होगा उसे सोने के दाने डालकर। यार तुम्हें पैसा चाहिए या प्यार? दोनों। रोशनी तुम जियो हजारों साल, हर बरस के दिन हो 50,000। परस्तार। ड्राइवर गाड़ी रोको। स्टॉप स्टॉप। चलो रोशनी, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। लगता है तुम
आज भी मुझसे खुश नहीं हो? सारी खुशियां तो तुमने छीन ली, अब खुशी है ही कहां जो तुम्हें दे सकूं। खुश तो तुम हो, तुम्हारे नए चाहने वाले ने तुम्हें आसमानों पर बिठा दिया है ना? सारे शहर में तुम्हारे नाम के गुब्बारे और बैनर्स लगा दिए हैं, गली गली में चर्चे हो रहे हैं तुम्हारे प्यार के, फिर खुशी छुपाने का मतलब क्या है? ऐसे समय में मेरी खुशी लेने के लिए ना तुम्हारे दामन में जगह है और ना ही तुम्हारे दिल में। अजीत प्लीज मुझे और दुखी मत करो। अगर तुम्हें दौलत की इतनी ही तमन्ना थी तो साफ साफ बता दिया होता, अपनी बहन की शादी का बहाना ढूंढ निकालने की क्या जरूरत थी? बोलती क्यों नहीं तुम? तुम अपने प्यार में कितने अंधे हो गए, अकल तो अकल इंसानियत भी खो बैठे हो। मैंने तुमसे मांगा ही क्या था? अपने पिताजी और बहन की खुशी, चाहने वालों की तो पहचान यही होती है कि वो लुट जाते हैं मगर शक कभी नहीं करते। अपने लिए तो सभी जीते हैं अजीत, दूसरों के लिए जिक्र देखो इस दुख में कितनी खुशी है। और फिर मैं अपने आप से उबकर रोशनी से मिलने मोहन मुल्तानी के घर चला गया। क्यों आए हो यहां? क्या तुम्हें मेरा फैसला मंजूर है? अपने सर की कसम खाकर कहो कि तुम्हारा फैसला सही है। बस और कितना आजमाना चाहते हो मुझे? मैं कोई भी दुख सह लूंगी लेकिन अपने घर वालों को दुखी नहीं देख सकती। मेरे पिताजी मुझे बेटी नहीं बेटा समझते हैं और मेरी बहनें मुझे बहन नहीं भाई समझती हैं। वो तुम ये क्यों नहीं समझती कि तुम्हारे पिताजी और बहनें भी तुम्हें खुश देखना चाहते होंगे? मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा, तुम कुछ मत कहना। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो तुम शांति से शादी कर लोगे? ये नामुमकिन है। अलबत्ता मैं अपने आप को शूट कर सकता हूँ। हर मुश्किल का हल मौत में ढूंढना बुजदिली होता है और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जा सकते हो और आइंदा कभी मुझे पहचानने की भी कोशिश मत करना। सच बताओ इस सुनहरे पिंजरे में रहना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? याद रखो रोशनी, सच्ची खुशी के लिए प्यार चाहिए पैसे नहीं। ये बिजनेसमैन बड़े मतलबी होते हैं, इनका हंसना या रोना बिजनेस होता है, इनका बोलना या खामोश रहना बिजनेस होता है, इनका याद रखना बिजनेस होता है, भूल जाना बिजनेस होता है। और हम बिजनेसमैन किसी को मारते हैं तो बिजनेस के लिए, और किसी को जिंदा रखते हैं तो बिजनेस के लिए। मैं रोशनी को ले जाने आया हूं। रोशनी मेरी हो चुकी है। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम अपनी पिछली जिंदगी भूल जाओ, मेरे साथ रहने के कुछ आदाब भी होते हैं। मैं दाना डालता हूं तो जाल तंग करना भी जानता हूं। मेरी मर्जी तो पूछी होती आपने। मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूं, जो चाहता हूं उसे हासिल कर लेता हूं। बचपन में मैं जिन खिलौनों के साथ खेलता था उन खिलौनों को कोई छीनने की कोशिश करता तो मैं उन्हें तोड़ फोड़ देता था, मगर किसी को देता नहीं था। रोशनी तुम मेरे साथ चलो। Come on, get lost.
आखिर उसने कब फोन किया था? मैंने इंतजार किया लेकिन उसका कभी फोन नहीं आया। मैंने तो सुना दोबारा तुम्हारी होटल में उसके साथ मुलाकात हुई थी। ये सरासर झूठ है। उसके बारे में मेरा दिल टूट चुका था। वही मुलाकात मेरी आखिरी मुलाकात थी। फिर अखबार में किसी लड़की की हत्या की खबर पड़ा तो शक हुआ, और आगे जब लाश की शनाख्त हुई तो मेरा शक सही निकला और दुख भी हुआ। किन किन लोगों पर शक है? मैं किसी पर शक नहीं कर सकता। यकीन नहीं होता कि एक अच्छी लड़की की किस्मत क्या इतनी बुरी भी हो सकती है। जसराज मोहन मुल्तानी। गंगाराम। हेलो, प्लीज डू कम इन, आइए। थैंक यू। आइए। आपने फोन पर यही मिलने की जिद की, वरना मैं खुद आपके पास हाजिर हो जाता। बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? रोशनी के हत्याकांड के सिलसिले में आपसे पूछताछ करना चाहता हूं। कहां से शुरू करूं, क्या क्या बताऊं मैं आपको? सब कुछ बता दीजिए। आपने राजहंस के बारे में सुना होगा, उसको दूध में पानी मिलाकर पिला दो तो सिर्फ दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। आप बताते जाइए, जितना चाहिए उतना हम ले लेंगे। अच्छा, डॉक्टर अजीत के साथ आपका झगड़ा होने के बाद रोशनी यहां कब तक थी और यहां से कहां गई? वो दो रोज तक यहां थी, बड़ी बुझी बुझी सी रहती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। यहां तक कि मेरे बच्चे भी मुझसे नाराज हो गए थे। उनका ख्याल था कि मैंने रोशनी को बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे भी इस बात का एहसास था, इसीलिए मैंने उसे समझाने की बड़ी कोशिश की थी। मुझे समझने की कोशिश करो रोशनी। उस दिन अजीत के ऑल फेल बकने की वजह से मैं अपने गुस्से पर काबू खो बैठा था। अच्छा ही हुआ कि आपका सही रूप मेरे सामने आ गया। तुमने मेरे चेहरे पर जमाने का चढ़ाया हुआ नकाब देखा है, मगर कभी मेरे दिल में झांक कर नहीं देखा। रोशनी, तुम्हें चाहने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर जिंदगी भर की खुशियां देने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब दिल में खुशी की इच्छा ही बाकी नहीं रही। मैं अपनी गलतियों की वजह से माफी चाहता हूं तुमसे। मुझे माफी मांगने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। रोशनी, मुझे और खासकर मेरे बच्चों को तुम्हारी सख्त जरूरत है। जो लोग दूसरों से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं वो खुद गर्ज होते हैं। रोशनी, फिर भी एक बार सोच लो। मैं सोचे बिना कहती नहीं हूं, और कहने के बाद सोचती नहीं हूं। कहां जा रही हो? अपने गांव, अपने घर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे पिताजी और बहनों को यहां बुला ले ताकि उन्हें कोई किस्म की तकलीफ ना हो? बिल्कुल नहीं। मेरे पिताजी अपने बलबूते पर जीते हैं, दूसरों के कंधे नहीं ढूंढते। ठीक है, तुम्हारी टिकट मंगवा देता हूं, तुम कल चली जाना। नहीं, टिकट मैं खुद ले लूंगी। रोशनी, बच्चे स्कूल से घर आते ही होंगे और तुम्हें घर पे ना पाकर वावेला मचा देंगे, इतनी बात तो मान लो प्लीज।
कल सवेरे जैसे ही बच्चे स्कूल के लिए चले जाए तुम निकल जाना। बच्चे पूछेंगे तो क्या कहोगे? कह दूंगा कि तुम अपने गांव गई हो और बहुत ही जल्द लौटोगी। नहीं, उनसे कह दीजिए रोशनी मर गई और उसका इंतजार ना करें। आंटी आ जाओ तो हम आपके साथ सोएंगे। आंटी आप मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाना। आंटी ना मैंने इसको एक मारा ना तो ये मुझे मारने लगी और मैंने इसका एक हाथ पकड़ लिया दो। अच्छा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। जितने भी दिन यहाँ आपने पनाह में रखा उसका शुक्रिया। घर पहुंचकर मुझे फोन करना, तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। चलो। गुड लक मैडम। ड्राइवर से मिल सकता हूं? श्योर, अभी बुलाता हूं। धर्मा। जी सर। ऊपर आओ। अभी क्या? अभी जी। मुल्तानी। जी नहीं, मुल्तानी संगीत का एक राग है, सुनने से कान को बड़ा सुकून मिलता है। सर। धर्मा, तुम्हारे साहब कह रहे थे तुम रोशनी को स्टेशन के बाहर छोड़कर आए थे। मगर मैंने ऐसा तो नहीं कहा था आपसे। नहीं साहब, मैं तो मैडम को डिब्बे में बिठा कर आया था। मैडम ने मुझे 200 रुपए बख्शिश भी दी थी। हम सच कैसे मान ले? क्या सबूत है? सबूत हाँ, भोलानाथ कुली, उसी ने मैडम का सामान उठाया था। वो हमारे पास वाले मोहल्ले में रहता है। और कोई था डिब्बे में पहचान वाला? जान पहचान का तो कोई खास नहीं, बाकी दूसरों पर मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या तारीख थी उस दिन? यकीन से तो नहीं कह सकता हूँ, यही मुझे याद है। जनवरी की 6 तारीख थी, क्योंकि उस दिन मेरी बच्ची की सालगिरह थी और मैडम ने जो 200 रुपए दिए थे ना, उसी से मैंने अपनी बच्ची के लिए फ्रॉक खरीदा था। 20 दिन के बाद पैदा होती तो 26 जनवरी को सालगिरह होती। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। छह जनवरी को रामगढ़ के लिए एक फर्स्ट क्लास का टिकट मिस रोशनी के नाम से बुक तो हुआ था, लेकिन वो टिकट कैंसिल नहीं हुआ है। भोलेनाथ इधर आना। सर, यही है वो कुली जिसने रोशनी का सामान ट्रेन में चढ़ाया था। धर्मा ड्राइवर को जानते हो? जी हाँ जानते हैं, वो हमारे मोहल्ले में ही रहता है। 6 जनवरी को राजधानी एक्सप्रेस से एक लड़की सफर कर रही थी, क्या उसके साथ धर्मा था? जी हाँ, उसने ठंडक का चश्मा लगा रखा था, उसका सामान मैंने ही ट्रेन में चढ़ाया था। वो ट्रेन से चली गई या उतर गए? हमारी मजदूरी हमें मिल गई थी और हमें चले जाना था, कमाई का वक्त था, हमें दूसरे पैसेंजर भी ढूंढने थे। ठीक है जा। थैंक यू। ओके कम। गंगाराम, देखो मैं पूछताछ करते करते रामगढ़ जाऊंगा, दूसरी ट्रेन से वापस आ जाऊंगा। नोट्स तैयार रखना, आने के बाद चेक कर लूंगा। सर आप ट्रेन से जा रहे? अरे इतने लोग जोखिम उठाते हैं, हम भी उठा लेंगे। चाय कॉफी, चाय चाय साहब, चाय कॉफी। हाँ बोलो साहब। क्या नाम है? अमित राव साहब। कितना कॉफी दो साहब? कितने दिन से काम करता है? 1 साल हुआ साहब। इसको देखा है कभी? नहीं साहब, शादी करने के काबिल लगती साहब। घोड़ा लाऊं? बारात निकालते हैं। चाय कॉफी चाय कॉफी चाय। ओ
बोलिए रामगढ़ पे डिनर, रामगढ़ पे डिनर, रामगढ़ पे डिनर, रामगढ़ पे डिनर। सर रामगढ़ पे डिनर? नहीं सुनो जी, इस लड़की को कभी सफर करते हुए देखा है? सर हमें तो अपने धंधे की पड़ी है, लड़कियों से नजरें मिलाने की फुर्सत कहाँ। डिनर वेज डिनर, रामगढ़ पे डिनर, रामगढ़ पे डिनर, रामगढ़ पे डिनर। साहब ऑटो चाहिए? ऑटो साहब? नहीं साहब, रिक्शा चाहिए? रिक्शा ना साहब, रिक्शा। ए, 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 रुक जा, ए, रुक जा वरना गोली दाग दूंगा। तो पीछे आ। साहब, साहब किसी से मत कहिएगा कि आप, आपने मुझे देखा था, खासतौर पे मेरे बच्चों से। रोशनी की मौत के बाद तो मैं लुट गया, अकेला होता मौत को गले लगा लेता, बच्चों के लिए जी रहा हूं, रात को रिक्शा चलाता हूं ताकि कोई पहचान न ले। साहब किसी से मत कहिएगा कि आपने मुझे इस भेस में देखा था, वरना एक रिक्शा चलाने वाली की लड़कियों से कौन शादी करेगा। क्या हुआ साहब, आज आपकी आंखें भर आई? कुछ नहीं, आंखें आज थोड़ी बेवफा हो गईं। अच्छा साहब चलता हूं। मुझे लगता है रोशनी को भोपाल स्टेशन पर ही उतार लिया गया था। रोशनी जितनी भोली नजर आती थी उससे कई ज्यादा इरादे की पक्की थी, भरे स्टेशन में उस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता था। उसके मिलने जुलने वाले लोगों में से किसी ने ऐसी तरकीब इस्तेमाल की हो जिससे वो उसकी बातों में आ गई हो। अभी तक मेरा शक डॉक्टर अजीत पर, डॉक्टर डोगरा पर और मोहन मुल्तानी पर है। हो सकता है इस साजिश में प्रीति का भी हाथ हो, या कोई और हो जिस पर अब तक हमारी नजर नहीं गई हो। सर आप अपना फॉर्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल करते, कोई ना कोई सच जरूर उगल देगा। गो फेच फेच फेच। नहीं गंगाराम अभी बैठो, मुझे उनके बयानात के अलावा सबूत और गवाह भी चाहिए ताकि मैं मुजरिम को पकड़ सकूं, वरना मुजरिम अदालत में अपने बयान से मुकर जाएगा, फिर वकील खड़े किए जाएंगे, सरकारी वकीलों को खरीदा जाएगा और सच को ऐसे दबोच दिया जाएगा और हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। आज तक मैंने सजा दिलवाई है, मुजरिम को बच निकलने का मौका कभी नहीं दिया। ए जाएंगे, कम कम लिफ लिफ कम कैच इट। आप यहां क्या कर रहे हैं? शराब और शबाब से दिल बहला रहा हूं। जरा बाहर आइए। ये क्या बदतमीजी है? बाहर आइए, आप भी आइए। क्या बदतमीजी है? Keep quiet, तलाश लो। क्या तलाश कर रहे हैं आप लोग? Keep quiet। आप नहीं सर, कुछ भी नहीं। ये क्या तलाश कर रहे हैं? Keep quiet। देखिए गुस्सा हम भी पालते हैं। I said keep quiet। देखिए मैं आपको बिना माफी मांगे जाने नहीं दूंगा। आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने एक इज्जतदार डॉक्टर की तौहीन की है। देखिए इज्जतदार, आप बैठिए गाड़ी में प्लीज। इज्जतदार लोग इस तरह सड़क पर शराब नहीं पीते, समझे ना?
ये मेरा नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए, ये मेरा नहीं है। जरूरत होगी बुला लूंगा। आपके लिए बेहतर होगा कि आप गुस्सा न पालें। अलक निरंजन जय गोवर्धन। आ गया आ गया। रोग आरोग्य की बात बताऊंगा, जीवन मृत्यु की बात बताऊंगा, सुख और दुख की बात बताऊंगा, लाभ घाटे की बात बताऊंगा, शादी बच्चों की बात बताऊंगा, दिल में है वो बात बताऊंगा। अलख निरंजन। महाराज जी, मेरी शादी कब होगी, मेरा पति कैसा होगा और मेरे बच्चे कितने होंगे? हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। हाँ, ये हाथ तो बड़ा भाग्यशाली है। क्या तेरा नाम लाली है? आहा, झोपड़पट्टी में पैदा हुई, महलों में राज करेगी, तेरा पति तो धनवान है रे। बच्चे कितने होंगे? बच्चे आहा, एक नहीं नौ नौ हैं। दया रे दया, महाराज जी झूठ बोलकर आगे मुझे दुखी ना करें। साधु संत जोगी फकीर को आजमाती है, यकीन नहीं आता तो जा अंदर जाकर देख, तेरी दाहिनी जांग पे एक तिल है। लाली जी, महाराज को यहाँ लाओ। आइए महाराज जी। जय गोवर्धन, अलख निरंजन, निकल पड़ी। क्या सच में तेरी दाहिनी जांग पे तिल है? जी जी। दिखा तो सही। नहीं, शर्म आती है। अरे दिखा ना। जी। झूठ निकला तो महाराज की जुबान काट लूंगा। उठा दे, दिखा दे कन्या, दिखा दे। ये मेरी मर्यादा का सवाल है, मन में छल कपट रखने वाले देखे बगैर यकीन नहीं करते। दिखा दिखा। विराजी महाराज। जय गोवर्धन, जय गिरधारी, समय बहुत कम है। महाराज मेरा भी भविष्य मुझे बताइए। क्या हाथ है, क्या हाथ है। जय गोवर्धन, जय गिरधारी, जय। मलो बेटा, दोनों हाथों को मलो, मलो दोनों हाथों से मलो। वाह वाह वाह, जय गोवर्धन, जय गिरधारी, जय गोवर्धन, जय गिरधारी। लाइए लाइए लाइए। क्या हाथ पाया है, क्या हाथ पाया है। सारे के सारे देवी देवताओं का साथ है, राहु केतु का गुलाम है, वहां शनि का क्या काम है। अरे मिट्टी पकड़ोगे सोना हो जाएगा, अग्नि पकड़ोगे गहना बन जाएगा। तेरे हाथ में तो कृष्ण का चक्र है और राम का बाण है। वाह वाह बेटे वाह। पर याद रहे, तेरा नक्षत्र ही कमाल है। हर शनिचर को गौ माता को अवश्य गुड़ खिलाना, याद रखना, भूलना मत है। जय गोवर्धन, जय गिरधारी, चला मुरारी। जय गोवर्धन, जय गिरधारी, जय गोवर्धन, जय गिरधारी। नहीं और मत डेवलप करना। सर, गन में तो उंगलियों के कोई निशान नहीं है, लेकिन गन के बट पे से ये हथेली का आधा अधूरा सा निशान मिला है, जो हमारे किसी काम का नहीं। चलो फिर। यस सर। थैंक यू। थैंक यू।
कॉन्टिनेंटल फूड सर? इंडियन फूड सर। वेजिटेरियन सर? नॉन वेज सर। कैश सर? यहाँ पर बिल नकद देना होता है। अच्छा सर, यहाँ उधार भी चलता है। अच्छा बाय। पीने वाला नवाब का बेटा। आदाब बड़े मियाँ। आदाब आदाब। जीते रहो मियाँ खां। बना दूं दो गिलास शरबत? नहीं, एक ही बना दो हमारे इस नवाब के लिए। अपने आप को क्यों महरूम रखना चाहते हो? हमारा शरबत बड़ा नामी ग्रामी है। हमारे बुजुर्ग नवाब वाजिद अली शाह अपने दरबारियों को यही शरबत पिलाया करते थे। अच्छा। फिर शोहरत फैली तो भोपाल के नवाब बहादुर मरहूम ने हमारे परदादा को यहाँ खींच बुलाया। लो मियाँ जी। बस तब से हम भोपाल के होकर रह गए। अच्छा। मियाँ खां पी लो, हम इतनी आसानी से हाथ आने वाले नहीं। माफ करना बड़े मियाँ, कुछ दिन पहले इस तालाब से एक लाश बरामद हुई थी, याद है ना? मियाँ खां कोई एक लाश हो तो बताऊं, ये बदबख्त तालाब तो हजारों लाशें निकल चुका है। नहीं, मैं उस लाश का जिक्र कर रहा हूँ जो हाल ही में बरामद हुई है। वही लाश जिसके टुकड़े टुकड़े किए गए थे? हाँ वही। किसने मारा होगा उस लड़की को? हमारे ख्याल में ये जरूर किसी शातिर का ही काम हो सकता है, वरना पुलिस ने अब तक दबोच ना लिया होता। वैसे हमने सुना है कि दिल्ली सरकार ने खास पुलिस भेजी है। अच्छा। किसी को मत बताना। नहीं। क्या पता कि वो उसे पकड़ पाए या खुद ही कातिल के हाथों बिक जाए। नहीं, लेकिन आपने कुछ तो सुना होगा। हाँ मियाँ, बस हमने तो इतना सुना है कि उसका चक्कर किसी फौजी के साथ था। उस फौजी के बारे में जानते हैं आप? मियाँ खां, अब तो आप हद से आगे ही बढ़ गए। हमारा फेरा इतवार के इतवार होता है। अलबत्ता मियाँ नैनसुख को पूछिए, अगर उन्होंने कुछ सुना होगा तो बताएंगे। ये खुदा हाफिज। फी अमानुल्लाह। गंगाराम। यस सर। जब भी हम यहाँ आते ये दुकान बंद करके चला जाता है। हाँ सर। वो देखिए सर, वो जा रहा है। तुम गाड़ी लेकर आओ। यस सर। क्या टाइम हो रहा है भाई? क्या टाइम है? अरे भाई अंधा आदमी, मुझे रात दिन का क्या, एक है मेरे लिए तो सब। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। चलो छोड़ दे देता हूँ। मुझे नहीं नहीं, मुझे रोज की आदत में चला जाना। अरे, अरे नहीं सुनिए तो। अरे भाई दिन थोड़ा खुलने का भी काम कर, संभाल के। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? अब साहब यहाँ क्यों लेकर आए मुझे? कौन है आप लोग? नैनसुख पैदाइश अंधे हो के बाद में कुछ हुआ। अरे साहब, बचपन में ही एक दिन अचानक अंधा हो गया। माँ बाप बहुत गरीब थे, काफी इलाज करवाया, बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ साहब।
क्या उम्र थी उस वक्त तुम्हारी, कुछ याद है? जी कोई 10-11 साल का था साहब, तभी से बस अपाहिज की जिंदगी जी रहा हूँ। साहब मैं घर जाऊं? साहब जी आप कहाँ चले गए? मैं घर जाऊं? साहब जी, साहब जी, अरे साहब जी आप लोग कहाँ चले गए? बोलते नहीं साहब जी, कहाँ हैं आप लोग? सुख, तुम साफ साफ देख सकते हो, यह अंधेपन का नाटक किस लिए? साहब बचपन में पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था और बाप मुझे बहुत पीटता था। एक दिन सुबह उठा और अंधा होने का बहाना करके रोने लगा। घर वालों ने सब समझ लिया और तब से मुझे भी मजा आने लगा। अच्छा बताओ, उस लड़की की लाश का बक्सा पानी में किसने फेंका था? पता नहीं साहब, मैं देख नहीं, इसलिए लोग पुलिस वालों को कुछ बताते नहीं। साहब धोबी घाट एक दिन खाली पड़ा था तो एक मेटाडोर आकर रुकी, उसमें से एक आदमी उतरा और गाड़ी की सफाई करने लगा, फिर उसने इधर उधर देखा और एक लोहे का बक्सा निकालकर ताला में फेंक दिया और चला गया। उस आदमी को देखा तुमने? नहीं साहब, मेरे और उसके बीच में बहुत फासला था। दोबारा देखोगे तो पहचान सकोगे? कोशिश करूंगा। हाँ? पहचान लूंगा। गाड़ी का रंग क्या था? पता नहीं साहब, मैंने ठीक से देखा नहीं। लाल, हरा? हाँ? नहीं, हरा हरा। नंबर याद है? हरा। नंबर पूछ रहा हूँ। याद नहीं, वो मैंने पत्थर पे लिख दिया पुलिस की मदद के लिए, लेकिन पुलिस ने आज तक उसे नहीं देखा। ये देखिए साहब। और कोई सबूत? जी हाँ, मैंने कुछ फोटोग्राफ खींचे थे, लेकिन दूर से खींचे थे इसलिए मुजरिम का चेहरा उसमें साफ नहीं दिखा। थोड़ा गंगाराम। यस सर। इसके पास से रोल लेकर प्रिंट करा लो, तब तक इसे हिरासत में रखो। यस सर। साहब मैंने आपकी मदद की, आपको भी मेरी मदद करनी चाहिए। साहब इस गरीब को कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत फंसाइएगा, मैं आपकी जान माल की दुआ करता रहूंगा। अरे नसीब समझो, हमारी वजह से तुम्हारी दोनों आंखें वापस आईं। हाँ वो तो है। चलो सरकारी गवाह बना देंगे। हाँ? मुजरिम पकड़ने के बाद सरकार से तगड़ा इनाम दिलवाएंगे। ये हमारा अहम सबूत है गंगाराम। यस सर। मोहम्मद कमर खान, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सर। खान साहब वो नंबर दिया था उसका क्या हुआ? सर उस नंबर की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो जेल डिपार्टमेंट के नाम दर्ज है। सर मुझे लगता है ये वही आदमी है जो मोटर बाइक पर नकली नंबर लगाकर हमारे गेस्ट हाउस पर आया था और फायर करके चला गया। अब तक तो सर उसने अपनी गाड़ी का रंग भी बदल दिया होगा। नहीं वो रंग नहीं बदलेगा, जरूरत से ज्यादा विश्वास है उसे अपने आप पर। ऐसी कितनी गाड़ियां हैं शहर में? सर टोटल 24 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 15 सरकारी हैं और 9 गाड़ियां प्राइवेट हैं। लाओ जरा रजिस्टर, लाओ नाम तो देखो। मुजरिम का नाम क्या है? अभी नहीं बताऊंगा। वो हत्या इत्तफाकन हुई अभी, मैं कुछ नहीं बता सकता। साजिश का नतीजा थी सर।
क्या मुजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? सर, इस हत्या के पीछे क्या किसी वीआईपी या नामी गिरामी आदमी का हाथ भी हो सकता है? आप लोगों को कल तक इंतजार करना पड़ेगा। काम वो तुम ही हो ना जो दो हत्याओं की सजा जानना चाहते थे, फोन पर मुझे धमकाते थे, घूस देना चाहते थे, मुझे मारने की नाकाम कोशिशें करते थे। मैं बेकसूर हूं सर। यह पिस्तौल, ये नंबर प्लेट जो तुम्हारी गाड़ी के डिक्की से मिला, क्या वो भी झूठ है? लेकिन ये मेरे नहीं है। वो पीछे खड़ा है वो भी झूठ है। वाह सर, अंधे ने देखा और बहरे ने सुना। इस अंधे की गवाही पर आप मुझ पर मुकदमा चलाएंगे। नैनसोख जी साहब, ये क्या है जरा पढ़ो। MP 03-5469। देखो बराबर है। लेकिन सर, मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं बेगुनाह हूं सर। कसूर हूं सर, सर मैं मुजरिम नहीं हूं सर। मुझसे सहा नहीं जाता था।
अब तो बोलोगे सर हर तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती सर। अरे फिर बता दो ना। बताता हूँ सर, बताता हूँ। हर तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती सर, बताता हूँ सर। जब रोशनी मुल्तानी साहब के घर से रेलवे स्टेशन पहुंची तो मैंने अपने आदमी को रेलवे स्टेशन भेजा उसे लाने के लिए। मैं मैडम, क्या आपका नाम रोशनी है? हाँ? क्या आपके पिताजी का नाम चंद्रकांत चौबे और बहन का नाम शांति है? हाँ, क्यों? वो दोनों हमारे होटल में ठहरे हुए हैं। हमारे मैनेजर साहब ने पंचमढ़ी फोन किया, पता नहीं कहाँ कहाँ फोन किया। उन्होंने गाड़ी के साथ मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। अच्छा ठीक है भाई, बैग भी दे दीजिए। चलिए। तो मुझे ये तो हमारा होटल है, पूरा घर जैसा आराम और घर जैसा खाना। आइए। मैं अभी आपके पिताजी को बुलाता हूँ। अरे दरवाजा खोलो। कोई है न कोई आएगा। गरम करती फिरती हो और मुझसे नफरत। आज मैं तेरे दामन पे वो दाग लगाऊंगा कि तुम मुझे हजारों में भी पहचानने लगोगी। तुके पास कमीने, तू वासना के नशे में हैवान बन गया है। तू क्या जाने औरत अपनी जिंदगी को अपनी शर्म का सदका समझती है। आज मैं तुझे हमेशा की नींद सुला दूंगी। ले जाओ इसे, उपटन और संदल से नहलाओ जिसकी महक से मोरनी की तरह मस्त हो जाए। ले जाओ। मैंने उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए, बक्से में भर दिया और तालाब की तरफ रवाना हो गया।
अरे ये बीच रास्ते में किसने सामान छोड़ दिया है भाई? कोई है? अरे किसका सामान है? कौन छोड़ जाता है? तुम्हारे जैसे दरिंदे इस समाज में जीने लायक नहीं हैं। सर मुझ पे रहम कीजिए। बदकिस्मती से मैं कानून हाथ में ले नहीं सकता, वरना यहां गोली मार देता। यहां यहां इंस्पेक्टर, यह जसराज पटेल का केस है, इसे जमानत हरगिज नहीं मिलनी चाहिए। सर आप तो जानते हैं कि सर। हेलो सर। हेलो हेलो सर, वो देखिए, वो सारे मुजरिमों को हमने पकड़ लिया है जिन्होंने भीषण नंदा की मदद की थी। दैट्स गुड। केस खत्म होने तक इनकी जमानत नहीं दी जाएगी, प्लीज। यस सर, जिस तरकीब से आपने तफ्तीश की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जहां चाह है वहां रहा है। ओके, गुड बाय एवरीबॉडी। चौबे जी, आज के बाद आपकी सारी परेशानियां मेरी हैं, फिक्र मत कीजिए। जी शुक्रिया। अच्छा, ओके बाय। अरे यार, अंधा हूं बहरा नहीं हूं, क्यों परेशान करते हो? क्यों नैन सुख? <गिला! laughs>